अस्सलाम वालेकुम लवली फेलोज़, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक हैं और गार्डनिंग को एंजॉय करें। पनीरियाँ सर्दी की शिफ्ट हो रही हैं और जगह कम है, तब मैंने आपको तरीका बताया कि आप कहाँ करें। मैंने अब खैर से इस वाले इन फूलों को भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले मैंने नहीं किया था। इनकी जड़ें ना बहुत ही बारीक थी, नाजुक थी, तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा इनको ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रही हूँ, तो माशाल्लाह अब ये थोड़े पौधे जो है ना स्टेबल हो रहे हैं। और कल मैंने ना पहला आगाज़ कर लिया है इनको शिफ्ट करने का इस सब्ज़ी वाली टोकरी में। ये जो सब्ज़ी वालों के पास ना आसानी से मिल जाती हैं, आपने मेरी वीडियोस में देखी होंगी, तो ये मैं कल शिफ्ट करके गई थी इनको। और माशाल्लाह सारे पौधे ये देखें अपनी असली हालत में खैर से आ चुके हैं, कोई नहीं झुके और बिल्कुल सही फ्रेश हेल्दी खड़े हैं। अभी मैं आज आप लोगों को डेलिया के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगी हूँ कि वो हैवी फीडर प्लांट है। जितने भी फूलों वाले प्लांट हैं उनको फर्टिलाइज़र तो देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर बात है फूल देने हैं, और फूल भी हमें अगर मरे मरे नहीं चाहिए तो हम उनको फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। तो डेलिया जो है वो ज़रा हैवी फीडर प्लांट है, तो उसके साथ मैं उसके लिए उसकी खाद और ख़ुराक, उसकी नेक्स्ट उसकी फ्लावरिंग जब उसके ऊपर होनी है तो बड़े बड़े फ्लावर्स लेने के लिए उसके साथ कुछ करने लगी हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि उसके ऊपर ज़्यादा पत्तियाँ, ज़्यादा फूल और हेल्दी और बड़ा फूल लेने के लिए आप क्या कर सकते हो घर में से, DIY गार्डनिंग में से, बिल्कुल ज़ीरो बजट गार्डनिंग में से। यहाँ मेरे पास है डेलिया की पनीरी जो बहुत छोटी थी, और इनको मैंने ना छोटे से थोड़ा बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद अब इनको इन छोटे 7 से 8 पॉट इंच वाले पॉट में इनको शिफ्ट किया, तो अब देखें माशाल्लाह फ्लावर जो हैं, ये पौधे जो हैं वो थोड़े और बड़े हो गए हैं। फ्लावर तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आएंगे, तो मैं थोड़ा गड़बड़ बोल देती हूँ। तो यहाँ पे इन छोटे वाले गमलों में ये पनीरियाँ अब चल गई हैं, तो अब हमने ना इनको, मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने अपने घर रखने हैं ना पौधे, कुछ तो सेल हो जाएंगे, और जो पौधे मैंने अपने घर रखने हैं तो उनको मैं नेक्स्ट सीज़न के लिए जब इन्होंने फ्लावर्स देना है तो थोड़ा रेडी करने लगी हूँ। तो यहाँ से हम एक गमला निकाल लेते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लें जी, गमला मैं वहाँ से निकाल के ले आई थी, और ये देखें मैं आपको बता रही थी ना कि इनके ऊपर अब नए पत्ते स्टार्ट हो गए हैं निकलना। जब मैंने इनको शिफ्ट किया था तब ये इतने लंबे नहीं थे, तब सिर्फ इनके ऊपर 2-2, 3-3 पत्ते थे, मतलब ये इतना पौधा था, लेकिन माशाल्लाह अब ये लंबा हो गया। और इसके ये देखें ये वाले पत्ते और ये वाले पत्ते नरम नरम नए निकल आए हैं। तो अब ना इसके साथ दो काम करने हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पे मैं डेलिया की बकेट जो है वो तैयार कर चुकी हूँ, वही हमारा जुगाड़ जो है पॉट, ये बाल्टी है प्लास्टिक की पेंट वाली, इसमें सुराख आपको नज़र आ रहे हैं साइडों पे, सुराख किए हुए हैं। अब इसके नीचे जो मैंने कंपोस्ट वाली मिट्टी मिक्स जो है वो भरी है, और उसके बाद थोड़े से मैं किन्नू के छिलके डाल रही हूँ। किन्नू के सब्ज़ी जो भी है आपके पास आप डाल दें, अगर तो आपके पास कंपोस्ट है, मेरे पास कंपोस्ट वाली मिट्टी भी है, क्योंकि मैंने बताया ये हैवी फीडर प्लांट है। जब भी वीडियो बनाने लगो ना ज़रूर आ जाते हैं सब्ज़ी वाले, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, सिर्फ मेरी सुनिएगा जी। तो ये देखें यहाँ पे माल्टे के छिलके हो गए हैं। अब ये जो है मेरे पास, इसको हल्का सा टैप करूँगी इस तरीके से, और ये आसानी से निकल आएगा। ये देखें अब बगैर इसकी ना वो किए बगैर मैं, ये थोड़ा सा डैमेज हो गया क्योंकि एक हाथ से काम करना ना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसके अराउंड जो है वो मिट्टी भर के और इसको थोड़ा सीधा करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने वो वाली आपको नीचे दिखाया, किन्नू के छिलके डाले, सबसे नीचे कंपोस्ट का बेड लगाया था, उसके बाद किन्नू के छिलके डाले हैं। जब तक इस पौधे ने बड़े होना है, इसने फ्लावरिंग पे आना है, तब तक वो हमारे छिलके जो है, इसको जब खाद की ज़रूरत होगी तो वो छिलके डीकम्पोस्ट हो चुके होंगे और ये अपनी जड़ों से, जड़ों के ज़रिए वहाँ से खाद ले लेगा। फिर मैंने दिखाया था ये थोड़ा सा वो हो गया था निकालने की वजह से, लटक गया था, तो मैंने मिट्टी का इसको थोड़ा सा दे के, इसको सहारा दे के इसको खड़ा कर दिया, तो उम्मीद है ये ठीक हो जाएगा। साइडों पर इस पर मैंने सिंपल प्लेन मिट्टी भरी है जिसको हम भल मिट्टी कहते हैं, वो मैंने दे दिया इसको। अब इसको ये देखें एक लंबे तरीके से ये ऊपर जा रहा है। अब हमने इसको यहाँ से, इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के यहाँ से पिंचिंग कर देना है। ये देखें यहाँ से मैंने इसको पिंचिंग कर दी। अब ये साइडों से और पत्तियाँ निकालेगा, जैसे हम अक्सर नर्सरी में खिले हुए जिनके ऊपर होते हैं ना, जिन पौधों के ऊपर फूल,
तो वो बड़े बड़े नज़र आ रहे होते हैं और बहुत बुशी होते हैं। तो अब हमने यहाँ से इसको पिंचिंग कर दी। इस तरह मैं अपने सारे डेलिया के फ्लावर्स को कर दूँगी। आपको मैंने एक पे ही समझा दिया, आप लोग भी इसको पिंचिंग कर दें तो इंशाल्लाह ये फरवरी के दरमियान तक जाके ये बहुत ज़्यादा बुशी और फूलों से भरा हुआ पौधा होगा, तब भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। तो ये थोड़ा सा हैवी फीडर है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं। वैसे जितने भी आपके पास फूलों वाले प्लांट होते हैं सबको पिंचिंग भी करें, और पिंचिंग के लिए कोशिश करें कि आप अपने हाथ से कर लें क्योंकि आपके हाथों से ज़्यादा साफ़ कोई कटर वगैरह नहीं हो सकता। कटर वगैरह या कैंची यूज़ करनी तो आप थोड़ा सा उसको साफ़ कर लें, अदरवाइज़ आप अपने हाथ से ही कर लें। पिंचिंग करें और देखें कि जो जिन पौधों को बार बार आपको खाद देनी पड़ती है उनको इस तरह उनकी मिट्टी तैयार करने करते हुए उसके अंदर कुछ ना कुछ डाल दें, ताकि जब तक पौधों ने बड़े होना है नीचे वाला मटेरियल डीकम्पोस्ट हो जाए और आपके पौधे जो हैं वो हेल्दी रहें और बार बार आपको उनके ऊपर खाद ना डालनी पड़े। अब हमने इसको शिफ्ट किया है तो शिफ्टिंग के शौक से बचाने के लिए इसको पानी देंगे एक दफ़ा अच्छे से भर के, और हमारा पौधा माशाल्लाह अच्छे से चल जाना है। तो फिर मैंने आप लोगों के साथ इसकी अपडेट भी शेयर करनी है। अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है और मेरी कोई बात आप लोगों को अच्छी लग गई है तो बेल के आइकन को ऑल पे करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।